दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का अपकमिंग एपिसोड वाकई काफी दिलचस्प और काफी धमाकेदार होगा, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड के दौरान घर के अंदर विवियन डिसेना और अविनाश मिश्रा की टाइम गॉड के खिलाफ बगावत देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, घर के नए टाइम गॉड यहाँ पर दिग्विजय राठी चुन लिए गए हैं, और ऐसे में दिग्विजय राठी जो है घर वालों को ड्यूटी असाइन करेंगे, यानी कि ड्यूटी अलॉट करेंगे। लेकिन इस दौरान विवियन डिसेना और अविनाश जो है वो साफ तौर पर मना कर देंगे और कहेंगे जब तक दिग्विजय घर का टाइम गोल रहेगा तब तक वो कोई काम नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात दिग्विजय को भी काफ़ी खटक जाएगी, और दिग्विजय बोलेंगे कि जो काम नहीं करेंगे तो उनके लिए हम खाना ही क्यों बनाएं। और इसके चलते जो है यहाँ पर दिग्विजय ये फैसला करेगा कि वो अविनाश और जो विविन डिसेना है उन दोनों को खाना ही नहीं देंगे, और घर वालों को वो मना कर देंगे कि इनका खाना ना बनाना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अविनाश और जो विविन डिसेना है वो दोनों ही अपना खाना खुद बनाने के लिए राजी हो जाएंगे और खुद अपना खाना बनाने लगेंगे। लेकिन घर का टाइम गॉड यानी कि जो दिग्विजय है वो कहीं ना कहीं विवियन और अविनाश को खाना नहीं बनाने देगा। वो बार बार उनका कभी गैस बंद कर देगा, कभी खाने के सामान उनके हाथ से छीन कर भाग जाएगा, और इस तरीके से जो है कल के एपिसोड के दौरान काफ़ी ज़्यादा छीना झपटी होने वाली है। हालांकि दोस्तों, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बिग बॉस जो है वो घर के इन बागी हो चुके कंटेस्टेंट के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि विवियन तो बिग बॉस के लाडले हैं, और ऐसे में क्या लाडले के खिलाफ बिग बॉस को इस साजिश रचेंगे या फिर दिग्विजय को यूं ही मुंह की मार खानी पड़ेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कौन है इस पूरे मुद्दे में सही, दिग्विजय राठी सही है या फिर विवियन और अविनाश? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले।